उपसभापति जी, मुझे इस बात की खुशी है कि जिन लोगों ने हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपना जीवन अर्पित कर दिया उनको उचित सम्मान इस अवसर पर दिया जा रहा है, किंतु मुझे इस बात का दुख है कि हमारे देश में अभी भी लाखों स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनके बारे में हमको जानकारी नहीं मिल पाई है। मुझे इस बात का अफसोस है कि उन अमर सेनानियों के बारे में सरकार को पता नहीं है जिनके परिणाम स्वरूप हमको स्वतंत्रता मिली है। मुझे इस बात का ज्ञान है और मुझे इस बात का एहसास भी है कि स्वाधीन भारत में अनेक स्वाधीनता सेनानी होंगे जिन्होंने इस देश की सेवा की है, जिस रूप में भी स्वाधीनता संग्राम के दिनों में उन्होंने देश की सेवा की है। मुझे इस बात का हर्ष है कि भारत सरकार द्वारा उनकी सेवाओं को मान्यता दी गई है। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि राज्य सरकारों द्वारा ऐसे देशभक्तों और महापुरुषों को किसी प्रकार की सहायता दी गई है या नहीं, जिससे कि उन्हें भी आभास हो सके कि उनकी सेवाओं की प्रतिष्ठा हुई है। लेकिन मुझे इस बात का फक्र है कि कई राज्यों में उनकी सेवाओं के फलस्वरूप उनको अनेक प्रकार की वित्तीय सुविधाएँ मिली हैं। मैं समझता हूँ कि इससे भी आगे बढ़कर हमको उनकी सहायता करनी चाहिए। जो लोग देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर चुके हैं उनके लिए हम श्रद्धांजलि अर्पित करने के सिवाय और कुछ नहीं कर सकते हैं, किंतु उनके आश्रितों को तो आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही जो अभी भी जीवित हैं उनको सरकार ने उदारतापूर्वक पेंशन देकर उनकी सहायता की है। मैं नहीं समझता हूँ कि इस प्रकार के बहुत से लोग होंगे जिनको अभी तक पेंशन नहीं मिल पाई होगी। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि सरकार ने इस दिशा में पहल करके पेंशन योजना को उदार बना दिया है, ताकि पर्याप्त सबूत के अभाव में कोई स्वतंत्रता सेनानी पेंशन लेने से वंचित ना रह जाए। ऐसे व्यक्तियों के लिए सरकार ने यह प्रबंध किया है कि यदि कोई भी पराधीनता सेनानी जो उसके साथ जेल में रहा हो इस बात को प्रमाणित कर दे तो उसे पेंशन दे दी जाएगी। मुझे इस बात की आशा थी कि पेंशन की राशि महंगाई को ध्यान में रखकर निश्चित की जाएगी और कम से कम या अधिक से अधिक राशि भी निश्चित कर दी जाएगी। मुझे इस बात की आशा थी कि पेंशन की राशि का समुचित आधार तय किया जाएगा, लेकिन मैं नहीं समझ सका कि इसका आधार क्या रखा गया है। मुझे इस बात की आशा नहीं है कि अभी इसको बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन मुझे इस बात की आशा जरूर है कि भविष्य में सरकार इस बात पर विचार करेगी और इस योजना के फलस्वरूप बहुत से लोग पेंशन पाएंगे। सभापति महोदय, मैं इस बात का विरोध करता हूँ। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं देश की प्रगति में विश्वास नहीं करता हूँ। यहाँ पर बहुत से माननीय सदस्यों ने यह कहा कि वे देहात से आते हैं, लेकिन मैं देखता हूँ कि वे संसद में आकर देहात को भूल जाते हैं। सवाल यह है कि जब कभी हम देहात की बात करते हैं तो कहते हैं कि महाराजाओं को हटा दो, जमींदारों को हटा दो, लेकिन इस प्रकार की बातों पर जोर देते रहते हैं कि संसद सदस्यों के लिए हर किस्म की सुविधाएं होनी चाहिए। अध्यक्ष जी, कल आपके सामने यह भी सवाल उठाया गया था कि हमारे देश में अनाज की कमी है, इसलिए दूसरे मुल्कों से अनाज मंगाया जाना चाहिए। यह बड़े खेद की बात है कि कृषि प्रधान देश होते हुए भी हमें दूसरे देशों से अनाज मंगाना पड़े। मेरे विचार में यह बात सही नहीं है, इसलिए मैं इस प्रस्ताव का विरोध करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं समझता हूँ कि इस देश में कोई ऐसे व्यक्ति हों जो बिना काम के ही दूसरों की बराबरी कर सकें। बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा कि विदेशों के लोग देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत प्रयत्न करते हैं, इसलिए हमको भी यह सोचना चाहिए कि हम देश को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें। कानून पास कर देने से कुछ होने वाला नहीं है, इससे आप इंसान को ईमानदार नहीं बना सकते हैं। मैं चाहता हूं कि सोशल जस्टिस हो, तभी देश तरक्की कर सकेगा। देश को सफल बनाने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं की आवश्यकता है और उनको सफल बनाने के लिए यह जरूरी है कि हमारी योजनाओं में मालिक मजदूर दोनों का सहयोग हो। मेरा निवेदन यह है कि हमारे मुल्क की जो व्यवस्था है उसमें आज उसको यह प्रोत्साहन नहीं मिलता है, इसलिए देश का हित इसी में है कि हम आमदनी को बांध दें। आप देखेंगे कि तेल उद्योग प्राइवेट सेक्टर में है, हम कहते हैं कि हमें प्राइवेट सेक्टर को भी उन्नत करना है, लेकिन उसका नतीजा क्या हो रहा है? हमारे देश के कारखाने विदेशों से आने वाले तेल को साफ करने के लिए भी तैयार नहीं होते।
इस तरह से हमारी पंचवर्षीय योजनाओं को असफल बनाने की कोशिश प्राइवेट सेक्टर वाले करते हैं। जब तक आप निश्चित नीति नहीं बनाएंगे तब तक देश की प्रगति संभव नहीं है। इसलिए आपको चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर का राष्ट्रीयकरण करें। इससे बहुत बड़ी राशि देश के विकास के कार्यों पर लगाई जा सकती है और प्राइवेट सेक्टर की मुनाफाखोरी से पैदा होने वाला काला धन भी कम हो सकता है।